नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूएस सिटीजन और इंडिया में टूरिस्ट जॉन एलन चाउ की। जॉन एलन चाउ जो कि इंडिया में टूरिस्ट था, यूएस सिटीजन था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह घूमने एक्सप्लोर करने गया था और वहां पर वो मारा गया। यह न्यूज़ वर्ल्ड वाइड न्यूज़ बन चुकी है, जाँच का विषय भी बन चुका है। तो मैं इस मुद्दे से कुछ पहलू आपको समझाने की कोशिश करूँगा और मैंने एक तर्क निकाला है। वह तर्क अभी किसी भी चैनल ने, किसी भी वेबसाइट ने और किसी भी मीडिया हाउस ने नहीं निकाला है। जो तक मैं निकाला है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हो सकता है जिसकी जांच होनी चाहिए। पहले तो हम जानते हैं कि और माजरा क्या है और वह कैसे मारा गया। तो यूएस सिटीजन और टूरिस्ट जॉन एलन चाउ इंडिया आता है। वह इंडिया में अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक्सप्लोर करता है, वहां घूमता है और वह वहां पे उस जगह जाता है जो जगह रिस्ट्रिक्टेड है और इनलीगली जाता है। हम बात कर रहे हैं सेंटिनल आइलैंड की। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक छोटा सा आइलैंड है। अंडमान निकोबार भारत का एक हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है टोटल 600 छोटे बड़े द्वीप हैं, आइलैंड हैं, जिनमें से 13 द्वीप में आपको जाने की और घूमने की अनुमति है दिन हो चाहे रात हो, और 11 आइलैंड ऐसे हैं जहां पर सिर्फ दिन में जाने की अनुमति है, रात को जाना खतरा हो सकता है तो ना जाएं। और एक आइलैंड ऐसा है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जहां पर बिल्कुल भी जाने की अनुमति नहीं है, यहां तक कि उस आइलैंड के 5 किलोमीटर के दायरे में या 5 किलोमीटर के समुंदर में भी जाने की अनुमति नहीं है, जिसे बफर जोन या बफर एरिया कहा जाता है, वह रिस्ट्रिक्टेड है। भारत सरकार ने बोर्ड भी लगाए हुए हैं कि सेंटिनल आइलैंड ना जाएं, वह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ तक कि उस एरिया को भारतीय कानून के मुताबिक भी रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। फॉरेनर्स रिस्ट्रिक्टेड एरिया 1963 कानून के तहत वहाँ पर किसी भी फॉरेनर को जाने की अनुमति नहीं है। अगर आपको जाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन सरकार देती नहीं है क्योंकि वहाँ पर जान का खतरा है। वहाँ पर एक ट्राइब्स रहती है, एक जनजाति रहती है जो कि वहाँ पर 60,000 सालों से रह रही है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 60,000 सालों से वहाँ पर एक जनजाति रह रही है। आदिवासी रह रहे हैं, वह जंगली जीवन बिता रहे हैं, जिन्हें जारवा जनजाति नाम दिया गया है और जिन्हें इंग्लिश में, क्योंकि ये आइलैंड नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है इसीलिए उसे अंग्रेजी में सेंटिलीज कहा जाता है, वो वहां पर रहते हैं और उन्हें किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना और छेड़खानी करना या कॉन्टैक्ट करना पसंद नहीं है। वे उन्हें मार देते हैं भाले से और तीर से, वे उन्हें मार गिराते हैं। पहले ही बहुत सारे लोगों को वहां पे मारा जा चुका है क्योंकि वे वहां पे घुस रहे थे या चले गए थे तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लास्ट इंसिडेंट हुआ था 2006 में दो मछुआरे वहां पर पहुंच गए थे जिन्हें मार दिया गया और उनकी बॉडी तक नहीं मिली। छानबीन के बाद केस बंद कर दिया गया। ऐसा ही कुछ हुआ है जॉन एलन चाउ के साथ। जॉन एलन चाउ यह दावा करता है कि वो वहां पे जाएगा और वहां पे जाकर उनसे कॉन्टेक्ट करेगा, यहां तक कि वो उन्हें अपनी धर्म के नीचे लेकर आएगा। जी हाँ, जॉन एलन चाउ उस आइलैंड जाता है, सेंटिनल आइलैंड जाता है। वो वहाँ जाने के लिए इनलीगली जाता है और इनलीगली वहाँ पर वो 5 मछुआरों का सहारा लेता है। वह 5 मछुआरों को 25,000 रुपये पे करता है। मछुआरे जो 100-200 रुपये कमाते हैं उनके लिए 25,000 रुपये बहुत ज़्यादा रकम होती है, वे मान लेते हैं और वे जॉन एलन चाउ के इस क्राइम में उसका साथ देने लगते हैं। वे उसे उस आइलैंड के पास तक ले जाते हैं लेकिन वे खुद नहीं जाते क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पर जो जनजाति रहती है, जो आदिवासी जो वहाँ पर रहते हैं, वो उन्हें मार देंगे, वो तीरों से हमला कर देते हैं। तो वे वहाँ पानी में ही उसका वेट करते हैं और जॉन एलन चाउ तैर कर आइलैंड जाता है और 16 नवंबर 2018 को वे कुछ घंटों बाद वापस आता है। वह घायल रहता है, घायल अवस्था में वह उन्हें 18 पन्ने का लेटर देता है। 18 पन्ने के इस लेटर में अब उसने क्या लिखा है ये भी आप सुन लीजिए। वह 18 पन्ने के इस लेटर में लिखता है कि मैं ये इस आइलैंड जाऊंगा, मैं इस सेंटिनल आइलैंड को एक्सप्लोर करूंगा और मैं यहाँ के लोगों से बात करूंगा और यहाँ के लोगों को ईसाई धर्म के नीचे लाऊंगा, उन्हें भगवान के बारे में, भगवान मतलब ईसाई धर्म क्रिश्चियनिटी और जीसस क्राइस्ट के बारे में बताऊंगा और उन्हें भगवान से रूबरू करवा के उन्हें मैं अपने मतलब अपनी बातों में ले लूँगा, मैं उन्हें अपने बातों में फंसा लूँगा और उन्हें जो है मैं अपने साथ ले लूँगा और अपने धर्म के नीचे ले आऊँगा। ये उसका असल में माजरा रहता है जिसके लिए उसने उनके लिए गिफ्ट खरीदे थे, मछलियाँ, गिफ्ट्स, फुटबॉल।
एक पुस्तक भी वो लेकर जाता है, बाइबिल। जी हाँ, आपने ठीक सुना, वे फुटबॉल गिफ्ट मछलियों के साथ एक बाइबिल भी लेके जाता है। वह उन्हें बाइबिल भी गिफ्ट करना चाह रहा था और उन्हें वह अपने धर्म के नीचे लाना चाह रहा था। अब इसी से जुड़ा मुद्दा मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन होता यह है कि वहाँ के लोग, वहाँ का ट्राइब्स जो है, किसी धर्म को नहीं मानता, किसी दुनिया को नहीं मानता, किसी कायदे कानून सरकार को नहीं मानता। वह अपने छोटे से आइलैंड में निर्वस्त रहते हैं और जंगली जीवन जीते हैं, शिकार करते हैं, वही खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं और पेड़ पौधे फूल कंद खाकर ही जीवन जो है वो अपना व्यतीत करते हैं और वैसा ही रहना चाहते हैं। कोई वहाँ जाता है तो उसे मार दिया जाता है, तीरों से हमला किया जाता है, यहाँ तक कि कई बार हेलीकॉप्टर से तक सरकार ने जाने की कोशिश की, लेकिन वे हेलीकॉप्टर्स को तीरों से मार के भगा दिया, वहाँ कोई नहीं जा पाया। जिस कारण से सरकार ने भी ये फैसला किया कि हम इनको वहीं रहने देंगे। भारत सरकार ने 1967 से 1990 तक वहाँ जाने की कोशिशें की, फिर 1990 में उन्होंने ये मान लिया कि हम उन्हें वहीं रहने देंगे, हम छेड़खानी नहीं करेंगे और वे वहीं रहेंगे और किसी को भी हम जाने नहीं देंगे। और वह एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इसके लिए एक कानून बनाया गया और उस एरिया को रिस्ट्रिक्टेड किया गया। लेकिन जॉन एलन चाऊ क्राइम करता है, वह बेवकूफ़ी भरी हरकत करते हुए वहाँ पर मछुआरों को पैसा देकर वह वहाँ पर इलीगली एंटर करता है और मारा जाता है। मारा कैसे जाता है? जब ये वापस आता है वहाँ से तीर खा के और इन लोगों को 18 पन्ने का लेटर देता है, तो वह 18 पन्ने के लेटर में पूरी गाथा लिखता है और वो ये भी लिखता है कि जब मैं वहाँ गया तो 6 लोग आए 6 लोगों में से एक बच्चा होता है लगभग लगभग 8-10 साल का, जो उसे तीर मार देता है। वो किसी तरह से भागने में कामयाब हो जाता है, भाग के वापस नाव में आता है, इन लोगों को 18 पन्ने का लेटर देता है और फिर चले जाता है। वह फिर इसीलिए जाता है क्योंकि वह अपने मकसद पे कामयाब हो सके, वह जिस मकसद से आया था। लेकिन होता यह है कि वह वापस नहीं आता, उसकी हत्या हो चुकी होती है और कुछ लोगों ने, कुछ मछुआरों ने दूर से कुछ आदिवासियों को एक बॉडी को दफनाते हुए भी देखा था, जो उन्हें एलन चाऊ टाइप लग रहा था या प्रतीत हो रहा था। तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अब एलन चाऊ को मार दिया गया है और उसे दफना दिया गया है, इसकी बॉडी अब मिलेगी नहीं मिलेगी, यह अभी शंका का विषय है, जांच जारी है। लेकिन पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, 5 मछुआरों को गिरफ्तार किया है और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। 7 लोगों ने उसकी हेल्प की थी, उसे वहाँ पहुँचाने में उसकी मदद की थी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एलन चाऊ, जॉन एलन चाऊ के परिवार का कहना है कि उन्हें छोड़ दिया जाए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। मुझे लगता है कि जॉन एलन चाऊ ने जितनी बेवकूफ़ी की, उनका परिवार समझदार है और समझदारी दिखा रहा है, जिनका मैं धन्यवाद देता हूं और उनकी दुख की घड़ी में मेरी जो सहानुभूति उनके साथ है। आइए हम जानते हैं कि एलन चाऊ के परिवार का क्या कहना है। एलन चाऊ के परिवार का कहना ये है कि वे कहते हैं, जॉन एलन चाऊ वाज रिपोर्टेड टू किल्ड इन इंडिया वाइल रीचिंग आउट टू मेंबर्स ऑफ द सेंटिनीज ट्राइब इन द अंडमान आइसलैंड। वर्ड्स कैनॉट एक्सप्रेस द सैडनेस वी हैव एक्सपीरियंस्ड अबाउट दिस रिपोर्ट। ही वाज अ बीलव्ड सन, brother, uncle and best friend to us. To others, he was a Christian missionary. Point to be noted, he was a Christian missionary, a wilderness EMT, an international soccer coach and a mountaineer. He loved God, life, helping those in need and had nothing but love for the Sentinelese people. यहाँ पे जो उसके परिवार द्वारा कहा गया है कि वह एक क्रिश्चियन मिशनरी था या उसके लिए काम करता था, तो दोस्तों उन लोगों ने यह भी कहा है कि उसके जो मददगार मछुआरे थे उन्हें छोड़ दिया जाए और जिन आदिवासियों ने उसे मार गिराया है उन्हें भी जो है माफ़ कर दिया जाए और छोड़ दिया जाए। तो सरकार तो वहाँ पर जा ही नहीं सकती, वहाँ जाना रिस्ट्रिक्टेड है, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, कार्रवाई होगी तो इन 5 मछुआरों और 2 मददगार, मतलब टोटल 7 लोगों के खिलाफ। लेकिन मुद्दा यह है कि सरकार और कानून जो है उन 7 मददगारों पर तो कार्यवाही कर रही है, लेकिन एक चीज नज़रअंदाज की जा रही है, क्रिश्चियन मिशनरी जॉन एलन चाऊ जिस क्रिश्चियन मिशनरी के लिए आया था या जिस क्रिश्चियन मिशनरी के लिए काम करता था वह एक ईसाई धर्म प्रचारक था।
वह अपने आप को ईसाई धर्म जो है ईसाई धर्म प्रचारक, एक माउंटेनियर जो माउंटेन चढ़ने या घूमने के शौकीन होते हैं, और एक सॉकर कोच बताता था जो कि एक एडवेंचर लविंग गाय था। जवान था, युवा था, लेकिन एक बेवकूफ़ी भरी हरकत कर दी। अभी ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी भरी हरकत कैसे करेगा जब वह एक बार तीर खा के वापस आ गया था मछुआरों तक। वह अपनी जान बचा सकता था, मछुआरों के साथ वापस जा सकता था, लेकिन उसने उन्हें 18 पन्ने का लेटर देकर वापस सेंटिनल आइलैंड जाने का फैसला किया। क्यों? वह किन लोगों को सर्विस देना चाह रहा था और कौन से मंसूबे और एजेंडा पूरा करना चाह रहा था, ये सर्च करने का और रिसर्च का विषय है। मैं चाहता हूं कि अमेरिकी गवर्नमेंट भी उस क्रिश्चियन मिशनरी से पूछताछ करे, सर्च रिसर्च करे जिसके लिए वे काम कर रहा था। वह गिफ्ट फुटबॉल और एक बाइबल लेकर आया था, वह उन्हें बाइबल देना चाह रहा था। हो सकता है इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो, हो सकता है ये इंटरनेशनल लेवल पे उसे वहाँ पे भेजा गया हो एजेंट बनाकर, और वहाँ पर उसे सेंटिनल द्वीप के आदिवासियों को माइंड वॉश करके, उन्हें गिफ्ट देकर, उन्हें पोर्ट कर और उन्हें बाइबल देकर क्रिश्चियन धर्म के नीचे लाने की एक चाल हो, ताकि वर्ल्ड वाइड ये मैसेज जाए जहाँ अंग्रेज भी नहीं पहुँच पाए, जिन लोगों ने अंग्रेजों को भगा दिया, ब्रिटिशर्स को भगा दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया, इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं जहाँ जा पाई, जहाँ वर्ल्ड का कोई भी रिसर्च टीम और मीडिया हाउस और कोई भी ऐसा एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर नहीं जा पाया। वहाँ पर एक ईसाई धर्म प्रचारक पहुँचता है, उन लोगों को मनाता है, पूटता है और उन्हें ईसाई बना देता है या ईसाई धर्म के नीचे ले आता है, और वे जीसस क्राइस्ट को मानने लगते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो वर्ल्ड वाइड ये मैसेज जाता, और जिस क्रिश्चियन मिशनरी के इशारे पर ये हो रहा था या होता, वह वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाती, उनके एजेंडे पूरे हो जाते, और फलना फलना फंडिंग और न्यूज़बाजी और मीडियाबाजी और वर्ल्ड वाइड फेम वगैरह 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 होता। सबसे ज़्यादा सर्च करने की और जांच का विषय ये मछुआरे जिन लोगों ने उसकी मदद की वो नहीं है, वह जिस मुद्दे पे आया था, जिस एजेंडे को पूरा करने, जिन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने आया था, उन पर जांच करने की ज़रूरत है। यूएस में उस क्रिश्चियन मिशनरी या उस ग्रुप पर जांच करने की ज़रूरत है, वह जिनको सर्विसेज देने आया था। यह पॉइंट अब तक किसी ने भी नहीं पकड़ा है, ना किसी मीडिया हाउस ने, ना किसी वेबसाइट ने, ना किसी यूट्यूब चैनल ने। यह पॉइंट मैंने पकड़ा है और यह पॉइंट ही सही हो सकता है। 99% मैं दावा करता हूं कि यही है। 1% बस हो सकता है कि जॉन एलन चाउ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी नासमझी की वजह से और एडवेंचर में जोश खो देने की वजह से वह मारा गया। ये 1% ही बस ये जो है आशंका है, लेकिन 99% आशंका है कि वह किसी जो क्रिश्चियन मिशनरी के मंसूबे एजेंडे पूरे करने आया था, या उसने एक तीर खा लिया था, वह भाग सकता था, लेकिन नहीं, वह लेटर सौंप के वापस गया। वापस वे बाइबिल लेकर गया क्यों? ये बंदा हर जगह जाता था, एडवेंचर करता था, माउंटेन चढ़ता था, कैंपेनिंग करता था, इसके इतना पैसा कहाँ से आता था? पैसा कहीं से तो आता होगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि जॉन एलन चाऊ जो कि अब नहीं रहे, उनके बैंक डिटेल्स, उनके पैसे, उनकी जो है सोर्स ऑफ इनकम और उनकी क्रिश्चियन मिशनरी पर जांच की जाए और ये पता लगाया जाए कि वो क्यों आया था, उसे किसने भेजा था और उसके अकाउंट में पैसे कहाँ कहाँ से आए हैं। मैं कोई प्रोपेगेंडा जो है खड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई से अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यही सच हो सकता है। ये एक सच हो सकता है जिसे दुनिया या पुलिस या जांच एजेंसियाँ अब तक नहीं देख पाई हैं। वह दिखाने की मेरी जो है ये एक ट्राई है, एक मैंने कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शेयर करके इस वीडियो को टैग करके फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह पहुंचाएं, अमेरिका में भी इसे सर्कुलेट करें, ताकि जांच हो सके और सही सही जो कारण हैं वे सामने आ सके कि जॉन एलन चाउ ने ऐसी हरकत, ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की। क्या ये बेवकूफ़ी थी या एक षड्यंत्र और एक एजेंडे का नतीजा था? आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। शेयर करने का एक कारण है, वह कारण ये है कि इस बात को पहुंचाना है। कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।